नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। रात के 10 बज गए हैं, 10 रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं। फटाफट बताता हूं कि इन 10 बड़ी खबरों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव में सबसे बंपर जीत से कौन से नेता जी संसद भवन पहुंचने वाले हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि एनडीए की सरकार तो बनने को है, लेकिन क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं, क्या कुछ सियासी सुगबुगाहट है वो आपको बताएंगे। टीडीपी और जेडीयू की, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू की क्या कुछ डिमांड है नई सरकार के गठन में, वो भी आपको बताने वाले हैं। और इंडिया की सरकार बन सकती है क्या, अगर बन सकती है तो कैसे बनेगी, फॉर्मूला क्या कुछ हो सकता है वो आपको समझाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि 24 ने किस तरीके से कमाल कर दिया है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी के हाल को बहुत हद तक बदल दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का जो किला था वो किस तरीके से ढह गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ अब फैक्टर रहे नहीं है, वहां पर बीजेपी का झंडा बुलंद है। कोरबा लिए चलेंगे आपको, कोरबा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी हार गई है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में 10 पर तो जीत गई कोरबा, लेकिन फतेह नहीं कर पाई, क्या कुछ कारण रहा बताएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत ऐसी क्यों हो गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बयानबाजियां तो खूब होती है लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा, ये आज हम लोग इसको टटोलने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की भी आहट है, क्योंकि बहुत से जो विधायक है कांग्रेस के वो छोड़कर आ चुके थे, पाला बदल चुके थे, कब उपचुनाव होंगे सब कुछ समझाएंगे आपको। और आखिरी खबर आपको बताएंगे हम, 15 लाख का जड़ाव है, कौन देने वाला है 15 लाख का जवाब, क्योंकि 15 लाख की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, 15 लाख की एक चीज थी जिसके ऊपर जो है सवाल जवाब करना पड़ेगा। सियासत का खेल है, ये भी समझाएंगे आपको। शुरुआत कर रहे हैं हम 10 बजे 10 रिपोर्ट की, और बात सबसे बड़ी जीत की ही करेंगे, क्योंकि इंदौर से शंकर लालवानी है 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर जो है संसद भवन पहुंचने वाले हैं। सबसे कम अंतर से जो जीत है वो शिवसेना शिंदे गुट के हैं, रविंद्र वायकर उनका नाम है, मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से उन्होंने मात्र 48 वोट से चुनाव जीता है। तो सबसे ज्यादा अंतर और सबसे कम अंतर, क्या कुछ रहा है ये खेल चुनावी, सब कुछ इस रिपोर्ट में है, देखिए। 44 दिनों के चुनावी सफर के बाद सबको इंतजार था 4 जून का, लेकिन कौन जानता था कि 4 जून की तारीख भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिख देगी। 1 जून को एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को 360 से लेकर 400 तक सीटें मिल रही थी, लेकिन 4 जून की तारीख ने बीजेपी के दावों के साथ एग्जिट पोल की भी हवा निकाल दी। उथल पुथल से भरे इस चुनाव में बहुत से रिकॉर्ड भी बने हैं। इंदौर में शंकर लालवानी को 11 लाख के रिकॉर्ड मतों से जीत मिली है, तो आइए एक नजर डालते हैं उन कैंडिडेट्स पर जिन्होंने इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतने वाले नेताओं में पहले नंबर पर इंदौर सीट से बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी ने 11,72,000 के रिकॉर्ड अंतर से चुनाव जीता है। वहीं धुबरी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हुसैन दूसरे नंबर पर है, इन्होंने 10,12,000 के अंतर से चुनाव जीता है। नंबर 3 पर शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी के विदिशा से उम्मीदवार थे और 8,21,000 के अंतर से शिवराज सिंह चौहान ने इस बार जीत दर्ज की है। नवसारी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सीआर पाटिल ने 7,73,000 से चुनाव जीता है और रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतने वाले नेताओं में सीआर पाटिल चौथे नंबर पर।
लाख चुनाव तो वही जीतता है जिसके ऊपर होता है जनता का हाथ, लेकिन सरकार बनाने के लिए महज जनता का हाथ और जनता का वोट जरूरी नहीं रह गया इस बार, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 12 सांसद हैं और चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश से आते हैं, उनके पास है 16 सांसद। 28 सांसदों के साथ ये जो जोड़ी है इस बार एनडीए में सबसे अहम भूमिका में है। किस तरीके से लोग किंग मेकर बन गए हैं और अब एनडीए का समीकरण कितना बदल गया है, समझ लीजिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक उठापटक जारी है। बीजेपी ने एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक बुलाकर चर्चा भी की, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने को लेकर संभावनाएं तलाश रहा है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन ने भी बैठक शुरू कर दी है। इन सबके बीच दो नामों की खूब चर्चा है। एक नाम है टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू तो दूसरे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नतीजे घोषित होने के बाद दोनों किंग मेकर की भूमिका में हैं। फिलहाल ये दोनों एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन्हीं कयासों के बीच अब इस तस्वीर को भी देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी एक फ्लाइट में आगे पीछे बैठे दिख रहे हैं। दोनों नेताओं की उड़ान पटना से दिल्ली के लिए थी। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे थे तो तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए हवाई जहाज में सवार थे, लेकिन बीच सफर में तेजस्वी यादव ने अपने को पैसेंजर को बदला और नीतीश कुमार के बगल में बैठ गए। बस यही एक तस्वीर अब हजारों शब्दों को बयां करती हुई सियासत की नई कहानी को गढ़ रही है। आंकड़ों में एनडीए बहुमत से 20 कदम आगे है और आराम से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ी, जेडीयू से 12 सांसद जीत कर आए। आंध्र प्रदेश की टीडीपी पार्टी के 16 सांसद जीते हैं। जेडीयू और टीडीपी के कुल सांसदों की संख्या 28 हो गई है। किंग मेकर की भूमिका में पहुंच गए हैं अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अब जरा आज के घटनाक्रम को देख लीजिए। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार बनेगी ही। सरकार तो बनेगी ही, उधर आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 135 सीटें जीतकर टीडीपी सरकार बना रही है। आंध्र प्रदेश में जीतने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अपने परिवार के साथ खुशियां भी बांटी। फिलहाल नायडू एनडीए में हैं और दिल्ली में बीजेपी की बैठक में शामिल भी हुए हैं। कुल मिलाकर देश की सियासत में एन फैक्टर मजबूत है। एन यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, एन से नीतीश कुमार, एन से नायडू, एन से एनडीए, एन प्लस एन यानी नीतीश और नायडू मिलेंगे तो नमो सरकार आसानी से बनी रहेगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भले ही अभी किंग मेकर की भूमिका में हो, लेकिन एनडीए को लेकर उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो एनडीए से दूर हैं, लिहाजा बीजेपी के लिए फिलहाल परेशानी की कोई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तब अचानक से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर पटना के एक पोस्टर की थी जिसमें लिखा हुआ था नीतीश कुमार सबके हैं। असमंजस की स्थिति बन गई सही में, क्योंकि विपक्षी खेमे की तरफ से भी यह दावा करने लगा कि नीतीश कुमार उनके संपर्क में है, लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने बता दिया है कि हम सबके नहीं हैं, हम सिर्फ एनडीए के साथ में हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में हैं, क्योंकि एनडीए के तमाम घटक दलों ने हस्ताक्षर करके बता दिया है कि मोदी ही उनके सर्वमान्य नेता हैं। लेकिन जब बात सियासत की आती है तो मान मनाई में बहुत कुछ मोल भाव भी होता है, तोल मतोल भी होता है। तो टीडीपी और जेडीयू ने भी डिमांडों की एक लंबी फहरस्त रखी है। सूत्रों के हवाले से जितना कुछ निकल कर आया है सब कुछ हमने इस रिपोर्ट में समेट दिया है, देख लीजिए आप ध्यान से। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। लड़ाई संविधान को बचाने की, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। परीक्षा भी हो गई, नतीजे भी आ गए, लेकिन पास हुए कि फेल इसका पता ही नहीं चल पाया। कितनी अजीब बात है ना। ऐसा ही कुछ अजीबोगरीब खेल हुआ है भारत के आम चुनावों में, जहां 4 जून को नतीजे तो आ गए हैं लेकिन अभी भी एनडीए के लिए सरकार के शिखर तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है।
एनडीए ने इस चुनाव में 291 सीटों पर अपना कब्जा कर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया और बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के फॉर्मूले पर चर्चा भी कर ली। सूत्रों की माने तो बीजेपी और एनडीए जल्द ही राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। एनडीए की बैठक में सभी दलों ने अपना समर्थन दे दिया है और 8 जून को देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। लेकिन सत्ता की चाबी अभी भी टीडीपी और जेडीयू के पास है। टीडीपी ने अपना समर्थन तो दे दिया है लेकिन सूत्रों की माने तो टीडीपी की कुछ डिमांड भी है। डिमांड नंबर 1, लोकसभा स्पीकर का पद। डिमांड नंबर 2, आंध्र प्रदेश को स्पेशल राज्य का दर्जा। डिमांड नंबर 3, वित्त और शिक्षा मंत्रालय समेत 3 बड़े मंत्रालय। डिमांड नंबर 4, 2 राज्य मंत्री के पद। हमेशा से भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु पर रहने वाले नीतीश कुमार पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने इस चुनाव में 12 सीटें जीती, जिसके बाद एनडीए के सरकार के फॉर्मूले में जेडीयू बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाली है। जेडीयू की भी डिमांडें सुन लीजिए। डिमांड नंबर 1, लोकसभा स्पीकर का पद। डिमांड नंबर 2, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा। डिमांड नंबर 3, 2 बड़े मंत्रालय और 1 राज्य मंत्री का पद। डिमांड नंबर 4, बिहार में मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे नीतीश कुमार। इस बात पर मुहर लग चुकी है कि बीजेपी और एनडीए मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी टीडीपी और जेडीयू की इन डिमांडों को पूरा करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार। डिमांड की फहरिस्त तो सुन ली होगी आपने, कितने बड़े बड़े मंत्रालय और स्पीकर का पद मांग रहे टीडीपी और जेडीयू के नेता। लेकिन खैर, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। याद कीजिए साल 2019, नतीजे जब आए थे उसमें स्पष्ट था कि बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, एनडीए को भी बहुमत मिला था। उस दौर में कहानी क्या थी? उस दौर में कहानी थी कि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी सहयोगी दल के कितने भी सांसद रहे, मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही पद मिलेगा। और एक कहानी आज की है जब जेडीयू और टीडीपी अपने लंबे डिमांड्स की फहरिस्त के साथ बीजेपी के सामने खड़ी है, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी दोनों को पता है कि 19 से कहानी 24 में बिल्कुल पलट गई है। इस बार अगर जेडीयू और टीडीपी नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं है। खैर, ऐसा नहीं है कि डिमांड की फहरिस्त जो है उसे जेडीयू और टीडीपी ही अपने खेमे में संभाल कर रखी हुई है। इंडिया गठबंधन की दुकान में भी डिमांड की फहरिस्त जो है वो लगी हुई है, सजाई हुई है। उनका साफ कहना है कि जिसको जो चाहिए, आप जो संविधान में भरोसा रखते हैं, आइए हमसे संपर्क कीजिए ताकि हम जो है सरकार बना सके। इंडिया गठबंधन किस फॉर्मूले पर सरकार बना सकती है, क्या कुछ कमजोरियां, क्या कुछ जरूरी उनको पड़ेगा, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम समेट रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए बहुत ध्यान से। देश की राजधानी दिल्ली फिलहाल राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी समेत एनडीए के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर नई सरकार का फॉर्मूला तय कर रहे थे, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा भी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर लगा हुआ था। गठबंधन का धर्म निभाते हुए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने तो पीएम को हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन विपक्ष के खेमे में भी सरकार बनाने की जद्दोजहद जारी है। इंडिया गठबंधन बहुमत से 38 सीट दूर है, लेकिन इंडिया ब्लॉक कैसे सरकार बना सकती है और सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या है, वो आपको बताते हैं। दरअसल इंडिया ब्लॉक बहुमत से 38 सीट दूर है। टीडीपी और जेडीयू के पास कुल मिलाकर 28 सीटें हैं और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास फिलहाल 5 सांसद हैं। कुल मिलाकर देश में फिलहाल 7 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीत चुके हैं और ऐसे में टीडीपी, जेडीयू, लोजपा और निर्दलियों को अपने पक्ष में करके ही इंडिया ब्लॉक सरकार बना सकती है। इंडिया गठबंधन के लिए सरकार बनाने की राह में वैसे बहुत से कांटे भी हैं और सरकार बनाने के फॉर्मूले में उतनी ही अड़चने हैं। देश का संविधान क्या इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की अनुमति देता है और सरकार बनाने के क्या कुछ नियम है, चलिए पहले ये आपको बता देते हैं। दरअसल सरकार बनाने के लिए सबसे पहले अधिक सीट लाने वाली पार्टी को अपना दावा पेश करना होता है। बीजेपी के पास सरकार बनाने का पहला मौका है। बीजेपी के इनकार करने पर ही इंडिया गठबंधन अपना दावा पेश कर सकती है। एनडीए की सरकार बिखर जाने पर इंडिया गठबंधन को दूसरा मौका मिल सकता है। फिलहाल इंडिया ब्लॉक का सरकार बना पाना टेढ़ी खीर के जैसा ही है। इंडिया गठबंधन के लिए मौजूदा समय में सरकार बनाना किसी अधूरी हसरत जैसा ही लग रहा है और सूत्रों की माने तो
एनडीए की बैठक के बाद बीजेपी ने सरकार बनाने के फॉर्मूले पर लगभग मुहर लगा दी है। अब देखना होगा कि शपथ ग्रहण कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कुल मिलाकर तस्वीर तो अब तक यही बन रही है कि एनडीए की सरकार में वापसी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल शुरू करने वाले हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं समीक्षा मोड पर चली गई है। सवाल यही है कि 400 पार के नारों और दावों के बीच नैया आखिर कहां ऐसे पलट गई कि नतीजे इतने ज्यादा पलट गए। इंडिया गठबंधन एनडीए के बराबर में खड़ा हुआ है और वो भी टीडीपी और जेडीयू को साथ लाने की बात कर रहा है। तो इस रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पूरी रिपोर्ट को बुन रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी की नैया डूबी तो कहां डूबी। एक चुनाव कितना कुछ बदल देता है, हार और जीत के मायनों से लेकर समीकरण और सियासत की अंगड़ाई तक। ये तस्वीर अपने आप में 2024 के लोकसभा चुनावों की पूरी कहानी बयां करती है, क्योंकि इस बार का जनादेश किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दे रहा है। एनडीए बेशक 293 सांसदों के साथ सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के आवास पर हुए बैठक में एनडीए के तमाम घटक दलों ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री मोदी को ही अपना नेता बना लिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए भी 234 सांसदों की टोली वाली हार किसी जीत से कम नहीं है। लेकिन चुनाव के परिणामों के आने के बाद अब असल में समझना तो ये जरूरी है कि खेल असल में हुआ कहाँ, कारवां लुटा तो आखिर लुटा कहाँ। दरअसल 24 के समर में बीजेपी यूपी में कमजोर पड़ गई। यूपी में सपा के लिए जाति फैक्टर काम कर गया और इंडिया के हिस्से में बीएसपी का भी वोट बैंक आ गया। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाला कार्ड नहीं चल सका और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास किसी बड़े केंद्रीय चेहरे का ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक छत्र उभर कर आई। तो वहीं महाराष्ट्र में भी ऐसा लग रहा है कि जनता को जोड़ तोड़ की राजनीति पसंद नहीं आई और राजस्थान में बीजेपी के नए नवेले संगठन में सामंजस्य की कमी ही समझेंगे जो वहां पर बीजेपी अपने अपेक्षाकृत प्रदर्शन नहीं कर पाई। दरअसल सियासत में चर्चे अक्सर उसके ही होते हैं जिनके दावों ने कभी तूफान मचाया हो। 2014 और 19 की बंपर जीत के बाद बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था, पर नतीजों ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि अब हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी को भी समीक्षा मोड में जाने की जरूरत पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पर खैर, सियासत का आलम ऐसा ही होता है कि जीत जीत होती है, हार हार होती है। जीते हो भले एक वोट से, दो वोट से, एक सीट या दो सीट ही क्यों ना हो, जीत जीत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के लिए जो ये राष्ट्रीय स्तर पर एक सेटबैक के तौर पर इसको पेश किया जा रहा है, ये हर जगह ऐसा ही रहा हो। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली है और ये जीत इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इसमें वो किला भी शामिल है जिस किले के बगल में हेलीकॉप्टर पार्क रहते हैं। कमलनाथ का छिंदवाड़ा अब बीजेपी का छिंदवाड़ा है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के नतीजे पूरे देश में जो भी रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपला साफ कर दिया। पूरी की पूरी 29 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर लगा, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली छिंदवाड़ा में बीजेपी का कमल खिल गया। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने 1,13,558 वोटों से हरा दिया। नकुलनाथ की हार के बाद कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। छिंदवाड़ा की जनता जो फैसला करती है मुझे स्वीकार है। अब आपको बताते हैं कि आखिर छिंदवाड़ा को कांग्रेस और कमलनाथ परिवार का गढ़ क्यों कहा जाता है। कमलनाथ परिवार का सदस्य ही यहां से सांसद रहा है। 1980 में कमलनाथ पहली बार सांसद बने। कमलनाथ 9 बार सांसद चुने गए। अलकानाथ भी छिंदवाड़ा से सांसद रही। नकुलनाथ 2014-2019 में सांसद रहे। छिंदवाड़ा सीट से दूसरी बार बीजेपी जीती है। 1997 में बीजेपी से सुंदरलाल पटवा जीते थे। अब आपको उन विवेक बंटी साहू के बारे में बताते हैं जिन्होंने नकुलनाथ को हराया है। छिंदवाड़ा से बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे हैं विवेक बंटी साहू। कमलनाथ के खिलाफ 2 विधानसभा चुनाव हारे, 2019 का उपचुनाव और 2023 का चुनाव लड़े। जीत के बाद विवेक बंटी साहू ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए।
आज छिंदवाड़ा ने इतिहास रचा है और छिंदवाड़ा मोदी जी के गरीब कल्याण, जन कल्याण और जो मोदी जी का सपना है विकसित राज्य का, तो छिंदवाड़े की जनता ने उसमें पूरा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और छिंदवाड़े की जनता ने भारी बहुमत, भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाई है। मैं छिंदवाड़े के जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हार जीत के फैक्टर भी आपको बताते हैं कि आखिर विवेक बंटी साहू क्यों जीते। संगठन की मजबूती, छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी की रणनीति, दिग्गज नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे, बंटी साहू की सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता, नकुलनाथ क्यों हारे वो भी आपको बताते हैं। नाथ परिवार के सहयोगियों का बीजेपी में जाना, नेता नीति और कार्यकर्ता की उदासीनता, बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार ना करना, आम कार्यकर्ता से नकुलनाथ की दूरी, यही वजह रही जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कमलनाथ और कांग्रेस के लिए एक अभेद किले के तौर पर जानी गई। अब उस पर बीजेपी का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 1,13,558 ये अंतर है हार का कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ का छिंदवाड़ा में। और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे थे, मुझे याद आ रहा है वो वक्त भी, उस वक्त विपक्ष के तरफ से ये कहा जाता था कि छिंदवाड़ा की सीट ही बीजेपी की फंस रही है, तभी बार बार मुख्यमंत्री को छिंदवाड़ा जाना पड़ रहा है। लेकिन देखिए हेलीकॉप्टर वहीं का वहीं है, लेकिन सांसद अब छिंदवाड़ा के बदल गए हैं। खैर, अब आपको मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उस सीट की जो एक सीट बीजेपी इस बार जीत नहीं पाई। हालांकि 11 में से 10 सीटें ऐसी हैं और उन 10 सीटों पर कांग्रेस के इतने बड़े बड़े दिग्गज खड़े थे जिनको कि बीजेपी ने वक्त रहते ही हरा दिया। और इस फहरिस्त में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम शामिल है। लेकिन वो एक कौन सी सीट है छत्तीसगढ़ की जहां पर ना मोदी मैजिक चल सका, जहां पर ना समीकरण चल सके, ना राम मंदिर का मुद्दा, यानी कि तमाम के तमाम मुद्दे धराशाही रह गए। उस सीट की तमाम जानकारियां इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव की पिक्चर क्लियर हो चुकी है। बीजेपी ने प्रदेश की 10 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है और कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधरों को धराशायी कर दिया। लेकिन प्रदेश के 11 सीटों में से एक सीट बीजेपी के हाथ नहीं लग पाई और वो है कोरबा लोकसभा सीट। यही वो सीट है जिसके चलते बीजेपी छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप नहीं कर पाई। कोरबा में कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा सांसद जोत्सना महंत ने अपनी पैठ बनाए रखी और कांग्रेस का झंडा लहरा दिया। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जब प्रदेश की 11 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में की और कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक को बीजेपी के आदिवासी कार्ड, राम मंदिर का मुद्दा और मोदी मैजिक के सामने हार का सामना करना पड़ा, ऐसे में भला कोरबा में बीजेपी के ये सारे जादू काम क्यों नहीं कर पाए? आखिर वो क्या वजह थी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप करते करते रह गई? आखिर कोरबा लोकसभा सीट बीजेपी के हाथों क्यों नहीं लग पाई? कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे अपनी किस्मत आजमा रही थी। प्रत्याशी बनते ही उन पर बाहरी होने का टैग लगा और लोकल नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। सरोज पांडे मतदाताओं को लुभाने और प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी टीम दुर्ग भिलाई से लेकर गई। उनकी इस बात का स्थानीय नेताओं ने विरोध किया। कोरबा के स्थानीय नेताओं के अलावा बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने अपने स्तर पर सरोज पांडे का विरोध किया। कोरबा लोकसभा सीट में 27 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने सरोज पांडे का वोट काटा। सरोज पांडे अपने विवादित बयानों की वजह से भी मतदाताओं को नहीं लुभा सकी। बात करें कांग्रेस की तो यहां पार्टी का खासा दबदबा है, जिसके चलते 2019 में देश में मोदी की लहर के बाद भी कांग्रेस ने कोरबा सीट जीती। जोत्सना महंत सांसद बनी और अपना कार्यकाल बिना विवाद के निकाला और सांसद बनने के बाद उन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया। उनके नाम की घोषणा होने के बाद उनका थोड़ा विरोध हुआ, लेकिन बाद में महंत परिवार ने सभी विरोधियों को संभाल लिया। इसके अलावा उन्हें सरोज पांडे के खिलाफ स्थानीय नेताओं का पूरा साथ मिला। सरोज पांडे का खुद की पार्टी में विरोध और इसका फायदा जोत्सना महंत को चुनाव के दौरान मिला। इन तमाम पहलुओं पर नजर जाने के बाद एक बात तो साफ जाहिर होती है कि बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे का बाहरी होना और स्थानीय नेताओं के विरोध ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी के क्लीन स्वीप रथ को रोक दिया। इस पर जब हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों से बात की तो क्या कुछ कहा है दोनों पार्टियों ने, जरा उसे भी सुन लीजिए। कोरबा में हमारी हार बहुत बड़ी नहीं हुई है, थोड़े सी वोटों से हारे हैं, पर बड़ी हार तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की हुई है, जो उनके सभी के सभी बड़े नेता
इस चुनाव में पराजित हुए। देखिए, लोकसभा चुनाव में इस तरह के कोई बाहरी भीतरी का ट्रेंड नहीं रहता। अब जनता ने जो जनादेश दिया है वही असली जनादेश है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के अच्छे अच्छे धुरंधरों को धराशायी कर दिया, लेकिन पार्टी प्रदेश में एमपी की तरह क्लीन स्वीप करते करते रह गई। बीजेपी के क्लीन स्वीप वाले इरादे पर छत्तीसगढ़ की कोरबा लोकसभा सीट ने पानी फेर दिया। हालांकि प्रदेश की 11 सीटों में से 10 सीटें जीतना पार्टी की बड़ी जीत मानी जाएगी। हरीश साहू के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त इतनी, इजाजत दे रहा है। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।